जय भोलेनाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो गाइस, आज है सावन का पांचवा सोमवार और भोलेनाथ मेरे सभी व्यूअर्स की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और उन्हें अच्छे से आशीर्वाद दे। तो गाइस, आज मैं शाम को बैठी थी तो गाइस अचानक मेरा मन हुआ कि भोलेनाथ के दर्शन कराएं, तो मैं और मेरी तन्नू, मेरी बेटी, हम दोनों लोग दर्शन करने के लिए गए थे भोलेनाथ के। और गाइस, हम लोगों ने मंदिर पहुँच के भोलेनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मंदिर के बगल में जो प्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके दर्शन किए, प्रभु जगन्नाथ जी के, भगवान श्री राम जी के दर्शन किए और भगवान श्री मन नारायण जी के दर्शन किए। और लोगों से कहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पर और गाइस यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद तन्नू देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे और मंदिर में जरूर बैठना चाहिए, मंदिर में बैठने से मन को शांति मिलती है। तो गाइस ये देखिए, ये है राजा जगमुनेश्वर जी हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है गाइस, यहाँ हर एक व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और यहाँ पर काफ़ी भक्त आते हैं। और सुबह 4:30 बजे से ही जलाभिषेक हो रहा था और शाम के 6:30 बजे तक होना है, उसके बाद फिर आरती की व्यवस्था होगी। तो गाइस ये देखिए, उनके राजा जी के बगल में ही ये हनुमान जी का मंदिर भी था। तो देखिए, हनुमान जी के हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद तो आरती के लिए कुछ औरतें ये फूल तोड़ रही थी और आरती में जो सजावट होती है, मंदिर जो सजाया जाता है उसके लिए, तो गाइस मेरा भी मन हुआ और मैं भी बैठ के यहाँ पे फूल तोड़ने लगी। गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर के किसी कार्य में सहयोग जरूर करना चाहिए गाइस, सहयोग करने से मन को काफ़ी शांति मिलती है। और मैं भी यहाँ आज बैठी हूँ फूल तोड़ने के लिए, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी औरतों के साथ, और साथ में भजन वगैरह भी चल रहे थे तो मन काफ़ी एकदम भक्तिमय हो रहा था। और भोलेनाथ की कृपा है कि आज मैं उनके दर्शन के लिए जा पाई। और गाइस आज सावन का पांचवा सोमवार था लेकिन मैं सुबह दर्शन करने नहीं जा पाई थी गाइस, तो आज मैं अचानक ही मेरा मन हुआ और मैं यहाँ आ गई। ये भोलेनाथ की कृपा ही थी जिन्होंने मुझे बुला लिया। तो गाइस फूल तोड़ने के बाद फिर गाइस मंदिर के बगल में जो शिला थी भोलेनाथ के मंदिर के बगल में, उसके भी हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद गाइस फिर हम लोग अपने घर आ गए गाइस, और घर आके फिर काफ़ी अच्छा लगा गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय भोलेनाथ, राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।